नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आपका सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा तीर्थ स्थान जो कि गुर्जर समाज का जो राठी गोत्र है हमारा, वो खूब यहां पे मानता है। उनके 12 गांव हैं, काफ़ी मान्यता है इस स्थान की जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। यहाँ पर जो माँ चांदो सती दादी का एक मंदिर है जो कि खंडवा गाँव में पड़ता है, नगुड़ क्षेत्र में ये गाँव में पड़ता है। हमारे साथ चौधरी साहब हैं, इसको बताने के बारे में थोड़ा सा आपसे परिचय में जानना चाहूँगा इस मंदिर के बारे में, कहाँ ये मंदिर पड़ता है जिससे कि लोग इसको देखें और समझें। आप सभी को पहले तो नमस्कार। ये जो गांव खंडवा है, गांव आपका परिचय में जानना, चौधरी नरेंद्र सिंह राठी जी, वर्तमान में यहाँ का व्यवस्थापक हूँ जी। और गांव खंडवे के पास ही दादी चांदो सती का धाम पड़ता है, खंडवे से कुछ दूरी पे है। मान्यता इसकी जो है, फिलहाल वर्तमान में 19 गांव हो रहे जो राठी गोत्र है, इसकी पूजा करते हैं दिवाली के दिन। अच्छा। और सभी लोग यहीं भोजन करते हैं, उसके बाद जो है गांव में जाते हैं पूजा पाठ करके। ये जो हमारे बाबा जी कल्याण सिंह थे, ये पांच भाई थे, पांच भाइयों में ये बड़े भाई थे, राजा हुए हैं। ये राजस्थान से चल कर दीवार आए और दीवार से यहाँ आ गए। तो जैसा ही बाबा कल्याण सिंह जी की का रिश्ता हुआ, तो बहने के लिए रामूपुर पहुँच जाते हैं ये। तो जैसे ही रामूपुर पहुँचे, तो इन्होंने रात को एक सोपन आता है, सोपन में ऐसा दिखाई दिया उन्होंने कि जो है गाँव के अंदर ऊपर धाड़ चढ़ गई। मुगलों का राज था उस टाइम पर। तो बाबा जी ने सुबह कहा, कल्याण सिंह महाराज ने, अगर भाई ऐसे ऐसे करके है मामला, हम तो चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई लड़की को भी ले जाओ, रस्में पूरी हो चुकी थी। तो जैसे ही वहाँ से चले, मैं बाबा जी अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर चल दिए और जो है डोली के साथ कुछ और लोग चल दिए। तो जैसा ही मोहद्दीपुर गांव पड़ता है कि यहाँ पास में, वहाँ से दादी जी ने कहा कि ये डोली रख दो, क्योंकि बाबा जी शहीद हो चुके थे, प्राण वीर गति को प्राण हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सती हूँगी। लोगों बागों ने कहा कि नहीं जी, हमारा तो क्षेत्र ही नहीं पड़ता, ये तो दूसरे गोत्र का है, पंवार गोत्र है खुब्बड़, और हमारा तो आगे चल के है। तो जैसे ही यहाँ आ गए वो लोग ले के, तो दादी जी ने कहा कि भाई मैं तो जो है सती हूँगी। कुछ लोगों ने कहा कि जी नहीं, सती नहीं, हमारे यहाँ से ऐसी कोई प्रथा नहीं है, अग्नि मैंने सती होना। तो ऐसा बताया जा, जिस टाइम पर बाबा जी ने युद्ध कर रहे थे सैनिकों की सहायता, कुछ सैनिक तो भाग वो मार दिए उनके मुगले, कुछ जो है भाग गए, कुछ मरे भी सैनिक मरे। तो बाबा जी इतने घायल हो जाते हैं, वो पानी पीने की स्थिति में नहीं थे। तो एक लाशों के बीच में से एक आदमी आया निकल के, उसने कहा कि मैं पानी पिलाता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि तू कौन है? मैं महाराज जी पंडित हूँ। था वो लाशों के बीच में से, जैसा पानी पिलाने लगा तो बाबा जी के उन्होंने तलवार मार दी, बाबा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन मार वो भी दिया बाबा जी ने, चूंकि बाबा जी बहुत बहादुर थे। उसके बाद जो है जी, लोगों बागों ने मना करी, दादी जी से कैसा ना करो आप। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं सती होंगी। तो बाबा जी की तो समाधि के लिए यहाँ चिता रख दीजिए और उसके लिए यहाँ। अच्छा। तो लोगों ने कहा हम तो चेतन नहीं करेंगे अग्नि। तो जैसा ही अग्नि प्रज्वलित करी, तो दादी जी के वहाँ ऑटोमेटिक ही अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। कुछ लोगों का तो मानना यह है कि एक जो बाबा था उसने कहा कि भाई हमारी जो है एक दूसरे का बैठ जाएंगे, लेकिन दादी नहीं मानी। तो जैसा ही अग्नि प्रज्वलित होती है तो उड़ जाता है उमदा चुंदड़ी, उड़ जाती है। तो तब से ये जो है छतनी है जिसमें। अच्छा। लगभग 125 साल हो गए मेरे से ऐसा बताएगा, 200 साल तक दादी जी की और बाबा जी की चिता ऐसी रखी गई, उस पर कुंडी रख दी थी। अच्छा। तो लोगों ने इकट्ठा होकर फिर गांव बस गए, एक एक पैसा इकट्ठा करके दादी जी का भवन बनाया और बाबा जी का बनवाया। अब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो 24 तारीख की मावस पड़ेगी अब अक्टूबर में, उस पर यहाँ मेला लगता है, पूरी खाप आती है हमारी। दूर दूर से जो नौकरी पैसे वाले हैं बाहर, वो सब लोग यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। मतलब हर बार दिवाली पर होता है, हर बार दिवाली पर दो बार मेला भरता है जी हाँ। एक साढ़ की पंचम बोलते हैं, उस पर जो लड़कियाँ आती हैं उन्हें पूजा करने के लिए आती हैं, ब्राह्मण जमाने के लिए। और दिवाली पे जो है पूरा अपना राठी खाप, हर बिरादरी आती है, सभी पूजा करते हैं यहाँ आके, मतलब ज्यादा लेकिन राठी उसका। हाँ जी राठी खाप। तो हर वर्ष मेला भी लगता है? हर वर्ष। आपने दो बार बताया कि मेला यहाँ पे दो बार लगता है। हाँ, साल में दो बार जी जी। तो एक तो जो है जी अब दिवाली पे लगेगा, एक जो है साठ की पंचम।
चलिए, ये काफ़ी अच्छा एक स्थान यहाँ पे हमें देखने को मिला। हम नकुड़ क्षेत्र के दौरे पे थे तो ये बताया कि गांव खंडवा में भी ये पड़ता है, और इसकी पूरी कहानी चोई साहब ने हमें बताई कि किस तरह से ये सब चीज़ें सती हुई। हमारे साथ कुछ गांव के बाकी लोग भी खड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। स्वागत है आपका चैनल भारत के गुर्जर में। किस तरह से ये मान्यता है, आप किस तरह से इसको देखते हो? पहले तो मैं आप सब भाइयों को राम राम करता हूँ जी, और उसके बाद में यहाँ का जो पौराणिक हिसाब किताब है जो हमें सुना है उसमें ये बात है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है मांग के लिए उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो कोई ऐसी घटना कोई ऐसी हुई है कि भाई जिस तरह से आप ऐसी बहुत आज भी जो मतलब हमारे यहाँ प्रत्यक्ष हैं, अगर किसी भैंस का किसी गांव कोई दूध ना देती हो तो यहाँ से जल लेते हैं और उसका जल छिड़क देते हैं उसके ऊपर, तो उसमें जो है उसकी धार निकाल लेते हैं। अच्छा, मतलब इस तरह की कुछ मान्यता है तो जी। कुछ और आप भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी जी, मानंद कुमार गांव खंडवे से हूँ, और माँ शक्ति पवन धाम पर ही मतलब मैं सेवा का कार्य करता हूँ। अच्छा, लगभग 30 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे जो यहाँ ऐसी देखा प्रत्यक्ष में कि जो भी आदमी जिस भाव से आया उसकी माँ शक्ति कुछ ऐसी कृपा बनावे कि उसकी मनोकामना उसी तरीके से पास हो जाए। कोई ऐसा किस्सा कोई ऐसा वाक्य किसी ने बताया, कोई भक्त जो आए कि भाई कुछ जानकारी आप? हाँ, कुछ मुझे ऐसे मिले जी। हाँ, लोग बाग आते हैं भगत जन कि जो कि किसी का बच्चा नहीं होता तो मन्नत मांग कर जाओ तो उनकी महाशक्ति पूरा मनोकामना पूरी कर दे, तो फिर उस भक्ति भाव लेकर जो है वो प्रसाद चढ़ाने के लिए बार बार आते हैं। इस पेड़ की गोलाई 27 फुट है जी, और प्राचीन पेड़ है, जब से कदी दादी जी का स्थान तब से ही ये पेड़ है। काफी पुराना लग भी रहा है, बहुत पुराना पेड़ है जी। तो और ये जो इस साइड में है, इधर तालाब था कभी दादी जी का। अच्छा, इससे इस साइड की जो पीछे की साइड, जो पीछे की लगभग 3-4 बीघे का, ये टूटा है, लोगों को तोड़ लिया है ये। इसमें तालाब था जिसमें पूजा कर रहे थे लोग, बाग कुल लोग पानी की लाग रहे थे, बड़ा सुंदर पानी था। तो ये चीज थी, ये पेड़ तभी का है। काफी पुराना पेड़ भी लग रहा है जी। कुछ आम के भी पेड़ हुए, उसके बाद कट भी गए यहाँ से। पैड़ी भी दबी हुई है, पैड़ी थी जैसी उसमें है ना गली चुनने की, उसी तरह का था सारा सिस्टम, लेकिन घेर लिया। अब दोबारा फिर नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब दोबारा फिर उसी स्टेज पर पहुँच जाएगा दादी जी के आशीर्वाद से सब काम। 825 साल इस धाम को, क्योंकि उस पर निशान लगा हुआ है। अच्छा। सम्मत पड़ा हुआ है। अच्छा। जी, और वैसे सती होने को 125 साल हो चुका है दादी जी। अच्छा, इसको बने स्थल को 825 साल हो, 825 साल इस स्थल को होने जी जी। यहाँ ये फूल है, यहाँ से शेर थे। अच्छा। मुझे खुद देखे जी। अच्छा। 60 साल की उम्र मेरी भी होगी कि मुझे देखे जी खुद। अब यहाँ ये जो प्राणी है मंदिर बने हुए हैं, हाँ, और प्राणी चिन्ह तो हटाया गया, फूल कर दिया, फूल वूल बना दिया, मतलब नई तरीके से इसको रूप दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो और कैसी गांव की जो मान्यता किस तरह से है? बढ़िया है जी, सब सब अच्छे से मानते हैं। हाँ, पूरे पूरा हमारा 12-24 गांव है ये, और भाई मैंने जहाँ तक भी है मैंने मेरी बहन या लंडी लहरी जो भी है बहन जमान है 5.5 में यहाँ पूरा है, लड़कियों की भी लड़की, तो मतलब इस तरह की पूरी मान्यता है, पूरी मान्यता। तो ये गांव के लोगों ने भी हमें बताया कि बड़े अच्छे से जानकारी दी। तो ऐसा एक स्थान है गुर्जर समाज का एक स्थान है, तो आप भी आए, आपकी कुछ मान्यता आपकी है कुछ, जाइए अपना शीश झुकाइए, हो सकता हो दादी माँ आपका भी चीज़ें पूरी करें। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।